नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और शंभू बॉर्डर से सीधी तस्वीरें आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। लखा सिधाना का काफिला जो है वो इस वक्त शंभू बॉर्डर पर पहुंच चुका है। हालांकि लखा सिधाना जो पीछे ट्रक हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रक जो पीछे खड़ा हुआ है, लखा सिधाना जब पंजाब से चला था तो इसी ओपन ट्रक में खड़ा था। इसी ओपन ट्रक से लोग उसका स्वागत करते हुए नजर आ रहे थे। सुबह से तस्वीरें लगातार मीडिया के जरिए दिखा रहे थे कि लखा सिधाना जब पंजाब से चला था तो इसी ट्रक की छत पर खड़ा था और लोग फूल मालाएं बरसा रहे थे। लखा सिधाना लोगों को संबोधित कर रहा था, लेकिन काफिला हरियाणा में दाखिल होने से चंद मिनट पहले ही लखा सिधाना जो है वो इस ट्रक से फिलहाल गायब हो गए हैं। लखा सिधाना इस ट्रक पर नजर नहीं आ रहे। हालांकि हमने यहां पर जो किसान युवा हैं उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे, उनसे बातचीत किया तो उन्होंने बताया है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने लखा सिधाना पर इनाम रखा हुआ है, जिस तरह से लखा सिधाना पर FIR दर्ज की गई है, उसके मद्देनजर ही लखा सिधाना जो है उन्हें ओपन ट्रक में नहीं खड़ा किया गया। हालांकि दावा यही किया जा रहा है कि लखा सिधाना अभी भी इसी काफिले में मौजूद है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा के कारणों से ओपन नहीं आ रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में युवा जो हैं वो आज लखा सिधाना का स्वागत करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। अंबाला के शंभू बॉर्डर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लखा सिधाना जो कि आज पंजाब से सीधा दिल्ली अपने सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ निकले थे, उनके स्वागत के लिए यहां पर युवा जो हैं वो भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। अंबाला का शंभू बॉर्डर जो है वो पहले दिन से ही लगातार मोर्चे का केंद्र रहा है। मोर्चे की कई बड़ी गतिविधियां जो हैं वो यहां से प्लान होकर चली हैं और उसी के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि एक बार फिर शंभू बॉर्डर पर आज लखा सिधाना के स्वागत के लिए सैकड़ों की संख्या में युवा जो हैं इकट्ठा हुए हैं। हालांकि इन युवाओं की जो चाह थी दिल की वो पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि लखा सिधाना की एक झलक ये पाना चाहते थे वो नहीं मिल सकी है, क्योंकि सुरक्षा के कारणों से बताया जा रहा है कि लखा सिधाना जो है वो ओपन ट्रक पर नजर नहीं आए और उन्होंने जब पंजाब में थे वो तो इसी ट्रक पर मौजूद थे, लेकिन अब जो गाड़ी है वो बदल दी गई है। और वाटर कैनन बॉय के नाम से नवदीप सिंह जो कि अंबाला के ही रहने वाले हैं, उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि सुरक्षा के कारणों से ही लखा को ओपनली यहां पर नहीं खड़ा किया गया और उसी के चलते अब जो है वो यहां पर युवाओं से सिर्फ बातचीत के जरिए ही स्वागत जो है वो अन्य जो किसान आगू नेता हैं उन्होंने यहां पर किया है, अभिवादन जो है अन्य लोगों का स्वीकार किया है। एक संयुक्त मोर्चा के जो लीडर हैं वो भी यहाँ पर इस ट्रक पर खड़े हुए नजर आए थे, उन्होंने भी सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर दिल्ली तक के रास्ते में लखा सिधाना को किसी ने हाथ तक भी लगाया तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर दिल्ली पुलिस ने या किसी भी पुलिस ने जो FIR दर्ज की गई हैं वो पूर्ण रूप से झूठी हैं, झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और उसी के चलते ये जो ट्रक है ये आज सुबह पंजाब से चला था और अभी सीधे दिल्ली जा रहा है, जो KMP है उसे कल 24 घंटे के लिए जाम किया जाएगा। तो उसी के मद्देनजर सैकड़ों की संख्या में जो युवा हैं वो यहां पर मौजूद हैं और आज लखा सिधाना का जो है यहां पर स्वागत किया जाना था, लेकिन लखा सिधाना सुबह तक जो इसी ट्रक की छत पर मौजूद थे वो अब यहां पर नजर नहीं आए। उसके चलते युवाओं में कुछ निराशा जरूर हो सकती है, लेकिन सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि लखा सिधाना की सुरक्षा के चलते उन्हें ट्रक से हटाया गया है, क्योंकि 1,00,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है, कई मामले भी दर्ज हैं। तो ऐसे में किसान यूनियन के जो युवा नेता हैं, जो युवा हैं किसानों से जुड़े हुए, उन्हें आशंका है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है लखा सिधाना को गिरफ्तार ना कर ले, लखा सिधाना का ये जो काफिला है इसे रोक ना लिया जाए। तो उसी के मद्देनजर लखा सिधाना जो है वो ओपनली यहाँ पर नहीं खड़े किए गए हैं, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो युवा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। युवा जो हैं लगातार बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर आपस में और उसी के चलते जो है वो युवाओं को समझाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो लखा सिधाना जो हैं वो इसी काफिले में मौजूद हैं और अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। जो अन्य किसान आगू नेता हैं नवदीप से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नवदीप, लखा सिधाना इसी काफिले में मौजूद हैं, युवाओं को किस तरह समझाना चाहेंगे? सुबह से एक झलक पाने के लिए खड़े थे। कोई नहीं भाई, आ जाएगा कल अपना उत्ते दिखा देंगे दिल्ली वाले, थोड़ा जा हुंदा है सेफ्टी वाला मैटर, तो भाई नाल गल हुई सी, थोड़ा पता लग गया सी, तो इस करके थोड़ा जा कीता सी भी हां जरूरी सी, ते बाकी अपना सारे दे सारे कल नु अपना KMP रोड दे उत्ते मिलेंगे सारे दे सारे। KMP के बाद क्या कुछ अगली रणनीति है? संसद का भी ऐलान कर रखा है। हां बिल्कुल, जो भी संयुक्त मोर्चे को लोगे फुल चढ़ावांगे, पूरा आंदोलन जीतना है नाल सारे इकट्ठे होके जीतेंगे। शंभू बॉर्डर पर किस तरह का स्वागत रहा काफिले का? शंभू बॉर्डर पे पंजाब वाले का बढ़िया स्वागत रहा, लखे भाई के नाल खड़े हैं, पहला भी थे अगे भी रहेंगे, ठीक है, तो यही है सारे रण मिल के आंदोलन करते हैं। लखा सिधाना पे भी कई पर्चे दर्ज किए गए हैं, नवदीप के ऊपर भी पर्चे दर्ज हैं, किस तरह देखते हो? वो जो चलते रहते हैं पर्चे, हूँ आंदोलन लड़ाई बहुत बड़ी है ना, तो इसलिए थोड़े मोटे नाम तो मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर्चे भी रद्द करा लेंगे कल को, बट ये जरूरी था भी हाँ
हाँ भाई अपना आंदोलन जीतना जरूरी है। तो बिल्कुल आंदोलन जीतना जरूरी है, अगर मोर्चा बड़ा है, लड़ाई बड़ी है, तो इसी तरह के पर्चे जो है छोटे मोटे पड़ते भी रहते हैं। ये कहना है अम्बाला के नवदीप सिंह का। नवदीप वही है जिन्होंने वाटर कैनन जंप की थी और काफी प्रसिद्धि इस जो मोर्चा जो धरना चल रहा है इसमें हासिल की है उन्होंने। लेकिन फिलहाल शंभू बॉर्डर का नजारा एक झलक में आपको दोबारा दिखा देते हैं कि किस तरह से सैकड़ों की संख्या में युवा जो है वो आज यहाँ पर पहुंचे थे और काफिला लखा सिधाना का जो है वो यहाँ पर पहुंचा था। लेकिन लखा सिधाना की झलक जो है वो कहीं ना कहीं युवाओं को नहीं मिल पाई है और उसी को लेकर जो अम्बाला शंभू बॉर्डर पर किसान यूनियन के नेता मौजूद थे वो समझाते हुए नजर आए हैं लोगों को कि लखा सिधाना जो है वो इसी काफिले में मौजूद हैं, सिक्योरिटी उनकी सुरक्षा के कारणों से उन्हें सामने नहीं लाया जा रहा। बहरहाल क्या कुछ कहना है यहाँ पर मौजूद नेताओं का वो हमने आपको सुनवाया कि किस तरह से लोगों को समझाया जा रहा है। नवदीप सिंह से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया है कि पर्चे जो हैं वो पढ़ते रहते हैं छोटे मोटे इस तरह की बड़ी लड़ाइयों में। कल केएमपी 24 घंटे के लिए जाम किया जाएगा, उसके बाद ऐलान संसद के घेराव का है, संसद में डेरा डालने का किया जा रहा है। अपडेट लगातार देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें।